हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के टेस्ट में हम देखते हैं कि स्किल टेस्ट हमारा जो हुआ था, ठीक है, ऑनलाइन जो स्किल टेस्ट हुआ था उसमें किस तरह से एरर्स आती हैं, और जो मेन जो एसएससी में स्किल टेस्ट होता है उसमें कैसे एरर काउंट होती हैं, ठीक है, क्या क्या एरर काउंट होती है, कितनी एरर काउंट होती है, मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो इनकी एक्यूरेसी आई है, नेम आप देख सकते हैं, एक्यूरेसी जो इनकी आई है 93.29 एक्यूरेसी आई है। मेनली यहाँ पर जो मिस्टेक्स इन्होंने करी है, वर्ड इनके स्किप हो रहे हैं। अगर ये वर्ड स्किप जो हो रहे हैं इस पर वर्क कर लेते हैं। वर्ड स्किप कब होते हैं? जब आपकी मिस हियरिंग हो जाती है या तो वर्ड आप बना नहीं पाते हो, ठीक है। तो उस पर वर्क करिए, जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उन पर वर्क करिए, तो आपकी अच्छे से स्पीड बढ़ेगी और आपके वर्ड्स स्किप नहीं होंगे, आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम सेंटेंस रीड करेंगे। पहली लाइन में आप देख सकते हैं कि पहली लाइन में आई हैव फेल्ट दैट अप्रोच ऑफ दीज क्वेश्चन हैज़ बीन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एरर्स कैसे काउंट हुई हैं, जो भी हमारा रेड वाला पोर्शन है, ठीक है, जो भी हमारा रेड वाला पोर्शन है वो क्या है, वो स्टूडेंट ने टाइप किया, ठीक है, स्टूडेंट ने टाइप किया। और जो यहाँ पे हमारा ग्रीन वाला पोर्शन है, ठीक है, जो हमारा ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्या है, वो मेन एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए रेड वाला पोर्शन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्टूडेंट ने टाइप किया था, मतलब कि यहाँ पर MERGED मर्ज्ड बच्चे ने यहाँ पे टाइप किया था, लेकिन यहाँ पे था क्या सेंटेंस में, एक्चुअल में था क्या, मेयर था, MARRED, ठीक है, मेयर यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था, ओके। यहाँ पे ARR यहाँ पे ऐड हुआ है और ERG यहाँ पे हटा है, तो यहाँ पे वर्ड बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होगा, इसकी फुल मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है, एक मिस्टेक काउंट होगी। अब यहाँ पर जो कोमा है, ठीक है, कोमा की यहाँ पे एरर काउंट नहीं होती है। एरर कहाँ पे काउंट होती है, अगर कोई असेंशियल कोमा आ जाता है, तो आपको सिर्फ असेंशियल कोमा यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रोचेस एंड बाय द रनिंग डाउन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ दैट कंसिडरेशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज नॉट हेल्प्ड इन द स्लाइटेस्ट बाय एनी। अब देखिए यहाँ पर क्या एरर आई है, यहाँ पर बच्चे ने क्या लिखा है, प्रोविजन्स लिखा है, ठीक है, जो रेड कलर में है, लेकिन यहाँ पर आया क्या है, प्रोविजन्स आना था, ठीक है। यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया था, यहाँ पे फुल मिस्टेक यहाँ पे काउंट होगी। और कम्युनिटी डिवीज़न, ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया है, डिवीज़न और बीइंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, वन मिस्टेक यहाँ पर काउंट हो गई है, ओके। और आगे चलते हैं। देन डाउन एंड बाय द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री कंसिडरेशन इट सेल्फ मोर कैपेबल। अब यहाँ पर देखिए एक ही अरब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, बच्चे ने यहाँ पे टाइप क्या कर दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप टाइप कर दिया। अगर आपने फुल स्टॉप टाइप किया तो ऑब्वियसली उसके बाद वाला अल्फा आप कैपिटल लिखोगे, जो यहाँ पे बच्चे ने करा है, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं था, यहाँ पे कोमा था। अगर आप गलत फुल स्टॉप लगा देते उसके बाद में जो हमारा पहला अल्फा आएगा वो स्मॉल आएगा, तो यहाँ पर स्मॉल आई मानना था, ये भी एक एरर काउंट होगी, ठीक है। फुल स्टॉप की एरर काउंट नहीं होती है, लेकिन बाद में जो हमारे पास में अल्फा आता है वो हमारा स्मॉल आता है। अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया है तो अपने बागत वाला क्या कर दिया होगा, स्मॉल कर दिया होगा, आपने अगर लगा दिया है तो उसके बाद वाला आपने कैपिटल कर दिया होगा, तो ये एरर्स यहाँ पे आ जाती हैं, ओके। आगे देखिए डिपेंडेंट और मोर नेशनलिस्टिक, ठीक है, यहाँ पे वी देखिए डॉट के बाद में अगर हमारा अगर डब्ल्यू आ रहा है तो यहाँ पर हमारा कैपिटल होता है, ठीक है, ना कि स्मॉल होता है, जो यहाँ पे स्मॉल का रखा है। तो ये इसकी कितनी एरर काउंट होती है, यहाँ पर इसकी हाफ मिस्टेक काउंट होती है कैपिटलाइजेशन की, ठीक है, कैपिटलाइजेशन की हाफ मिस्टेक काउंट होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन पे मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, ओके, काफ़ी मिस्टेक आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगी, ओके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज बच्चे ने यहाँ पे लिख दिया, हैज़ लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए था, एज लिखना था, ठीक है, यहाँ पे एज हटाए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे सेम मिस्टेक यहाँ पे फुल स्टॉप अगर नहीं आपने लगाया है तो यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप किसकी एरर काउंट नहीं हुई है, एरर किसकी काउंट हुई है, फुल स्टॉप नहीं लगाया तो बाद वाला यहाँ पे बी इसने स्मॉल लिख दिया, ठीक है। और कई जगह पर आपको याद रखना है, एक जगह पे आपको याद रखना है, मेंबर ऑफ करके जो भी आते हैं ना वर्ड्स आते हैं, ठीक है, वो हमारे कैपिटल में आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारा एम जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है, ये हमारी कैपिटलाइजेशन की एरर काउंट होती है, हाफ एरर काउंट होती है। कंसीडर्ड वो देखिए यहाँ पे, अच्छा पहले इरेज कर देते हैं पूरा। अब देखिए कंसीडर्ड, कंसीडर्ड में क्या हुआ है, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म चेंज हो गया, जब वर्ड सेम हो लेकिन वर्ब की फॉर्म चेंज होती है तो वहाँ पर हमारी हाफ एरर काउंट होती है, ठीक है, ना कि फुल मिस्टेक। तो इस पर भी आपको ध्यान देना, ये एरर्स कैसे ठीक होंगी, अगर आप सेंटेंस का सेंस समझ जाते हो, सेंटेंस में अगर कौन सा सेंस चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, पास चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, बात क्या कहना चाहते हैं सेंटेंस, अगर आप उसका सेंस समझ जाओगे तो मिस्टेक आप नहीं करो, ठीक है। आगे देखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में एस लग गया, एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाना चाहिए था लेकिन नहीं लगा है, तो उसकी हाफ एरर काउंट होगी, ठीक है। ये सेंटेंस का सेंस जब तक नहीं समझोगे तब तक ये एरर आप करोगे,
और कुछ भी यहाँ पे तरीका नहीं है इसको ठीक करने का, ठीक है। अच्छा इनटू द क्वेश्चन, द यहाँ पे आपने फालतू लगा दिया, इसकी आपकी एक्स्ट्रा एयर काउंट होगी क्योंकि आप एक्स्ट्रा वर्ड अगर लगा देते हो, ठीक है। यहाँ पे इट आपने नहीं लगाया, अदर लिख दिया, वाइज नहीं लिखा, अदर अदरवाइज था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी, ये चीज़ याद रखनी है। फुल स्टॉप के बाद में जो पहला अल्फा आता है वो कैपिटल आता है, यहाँ पे स्मॉल कर दिया है, तो फुल स्टॉप की एरर इस तरह से काउंट होती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके आगे और देख लेते हैं, थोड़ा सा स्किप करके देखिए। एक चीज़ आपको देखनी है कि अगर आपके वर्ड छूट जाते हैं, ये आपने एक्स्ट्रा लिख दिया है, आपने बिल्कुल रॉन्ग रीड कर लिया है, अगर आपने गलत रीड कर लिया, गलत टाइप कर दिया, तो उसकी आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपकी मिस्टेक काउंट हो जाती है, ठीक है। आपको याद रखना 40 से ज़्यादा मिस्टेक आपको करनी नहीं है, राइट। तो ऐसे आप अगर वर्ड छोड़ दोगे तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक आपकी हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी सारा यहाँ पर है जो कि मैंने एरर काउंट करी है, कई में हाफ मिस्टेक काउंट होती हैं, ये आपके फुल मिस्टेक काउंट हुई हैं, जहाँ पे आपके कंप्लीट आपके दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपका ज़रा सा भी अगर मानता हूँ कि कैपिटलाइजेशन अगर आता है, ठीक है, या तो अगर वर्ब अगर चेंज हो जाती है, ठीक है, आपने ईडी नहीं लगाया कि वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी, तो वहाँ पे हाफ मिस्टेक आपकी काउंट होती है, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद में जो पहला अल्फा आता है वो स्मॉल कैपिटल आता है, आपने स्मॉल कर दिया, तो आपके आपके हाफ मिस्टेक काउंट होती है। ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है, ठीक है, इस तरह की एरर्स काउंट होती हैं। तो ये हमारा था स्किल टेस्ट, ठीक है। अगर आपने स्किल टेस्ट नहीं दिया था तो स्किल टेस्ट दे सकते हैं, और अगर आप इस टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इस टेस्ट का आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए बाय।